गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने जो प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया, प्रीवियस लेक्चर आपका था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका हो क्या रहा है कि एक मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब एक एक्टिव मेटल एक लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, एक मोर एक्टिव नॉन मेटल एक लेस एक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब एक एक को डिस्प्लेस कर रहा है। और ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग और एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं जिसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम में ही डिफिनेशन पता हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक एटम किसी मॉलिक्यूल में हम नहीं मिला रहे हैं, हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं और दोनों आयनिक नेचर के होने चाहिए। दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से रखिएगा, दो मॉलिक्यूल होने चाहिए, दोनों आपके किस नेचर के होने चाहिए, आयनिक नेचर के होने चाहिए। मतलब एक मॉलिक्यूल में एक मेटल है एक नॉन मेटल है, दूसरे मॉलिक्यूल में एक मेटल है एक नॉन मेटल है। हो क्या रहा होगा, मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रहा होगा, नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा होगा। मतलब एक साथ दो तरह के डिस्प्लेसमेंट हो रहे होंगे एक ही रिएक्शन के अंदर। एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा होगा, सेम टाइम पे एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा होगा, और आपका जो प्रोडक्ट बन रहा होगा, नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बन रहा होगा, दिस इज द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने यहाँ लिख रखा है द रिएक्शन इन विच टू एटम और ग्रुप आर एक्सचेंज। सिंपल से जो बातें मैंने बताई है, ऐसा रिएक्शन जिसमें दो एटम या दो ग्रुप एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और सिंपल वर्ड में अगर हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं द रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर कट आपको बताया गया है, दो रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड दैट मीन्स ऐसे कंपाउंड होने चाहिए जिसमें आपका आयनिक नेचर हो, इन द सॉल्यूशन रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस मीन्स मेटल एक्सचेंज विद मेटल एंड नॉन मेटल एक्सचेंज विथ नॉन मेटल टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कंडीशन देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, प्रोडक्ट आइदर सॉल्युबल, मतलब जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा, हो सकता है सॉल्यूशन में प्रोडक्ट सॉल्युबल हो और हो सकता है प्रोडक्ट सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल हो और सॉलिड बन के सेपरेट हो जाए, मतलब नीचे सेटल डाउन हो जाए। याद है नीचे सेटल डाउन वाला मामला, नीचे सेटल डाउन की जब भी मैं बात करूँगा वहाँ प्रिसिपिटेट बनेगा, प्रिसिपिटेशन की बात होगी। तो आइदर सॉल्युबल आपके प्रोडक्ट होंगे या तो प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होंगे, सॉलिड फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएंगे, प्रिसिपिटेट बन जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में उसको PPT कहते हैं, या हो सकता है कि आपके कुछ प्रोडक्ट आपके गैसियस फॉर्म में भी हों। तो प्रोडक्ट का कैटेगरी क्या क्या हो सकता है, प्रोडक्ट आइदर सॉल्युबल हो सकता है, प्रोडक्ट इनसॉल्युबल है सॉलिड प्रिसिपिटेट बन के सेपरेट हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गैसियस मॉलिक्यूल बने और आपका गैस बाहर निकल जाए, रिएक्शन जिस कंटेनर में करा रहे हैं गैस इवैल्यूएट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, ऐसा भी हो सकता है। ये ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाने की कोशिश किया, अभी कोई रिएक्शन नहीं लिया है जिसमें आप अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने लिया ABCD इसी फॉर्म में होगा, और जो पिछला डिस्प्लेसमेंट पढ़ा उसमें क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था A+BC। यहाँ आपने पढ़ा कि अगर A मेटल है B मेटल है और A मेटल की रिएक्टिविटी B मेटल से ज़्यादा है तो ये वाला B को डिस्प्लेस कर देगा सिंपल, और आपका यहाँ प्रोडक्ट बनेगा AC+B। तो यहाँ सिंपल हो कह रहा है A ने B को डिस्प्लेस किया, हो सकता है A मेटल B मेटल होना चाहिए, अगर मेटल नहीं होगा तो A नॉन मेटल B नॉन मेटल, और कंडीशन क्या है कि A जो भी हो मेटल हो या नॉन मेटल हो उसकी रिएक्टिविटी या एक्टिविटी B से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, और यहाँ एक आयंस को डिस्प्लेस कर रहा है। बट यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर वाले रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाले रिएक्शन में हो रहा हो सकता है A आपका मेटल हो, ये क्या हो आपका मेटल हो, और C भी आपका मेटल हो, और B आपका नॉन मेटल हो तब उस कंडीशन में, और D आपका क्या हो नॉन मेटल हो।
बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि ए की एक्टिविटी सी से ज़्यादा हो, और ऐसा हो सकता है कि डी की एक्टिविटी बी से ज़्यादा हो। दोनों कंडीशन में रिएक्शन की पॉसिबिलिटी 100% होती है। अब अगर ए की रिएक्टिविटी सी से ज़्यादा है तो ए यहाँ से सी को क्या करने की कोशिश करेगा, डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स ए सी की जगह लेगा, और अगर ए सी की जगह लेगा तो आपका प्रोडक्ट किसके साथ बनेगा भाई बताओ। ए सी की जगह लेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किसके साथ होगा, या तो क्या हो सकता है आप देखिए, दूसरा कंडीशन बी नॉन मेटल डी नॉन मेटल, बट डी की रिएक्टिविटी बी से ज़्यादा है, तो ये आपका हो क्या रहा होगा, ए सी की जगह ले रहा होगा और बी की जगह कौन आ रहा होगा, डी आ रहा होगा। ध्यान से समझिए, ए इज मोर रिएक्टिव देन सी। अगर ऐसा कंडीशन बनता है कि ए भी मेटल है और सी भी मेटल है और बी नॉन मेटल है और डी नॉन मेटल है, पहले वन बाय वन समझते हैं। ए मेटल सी मेटल, ए इज मोर एक्टिव देन सी इन द सॉल्यूशन, तो होने क्या वाला है, ए सी को डिस्प्लेस करेगा। ए सी को डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ सी की जगह कौन आ जाएगा भाई, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सी की जगह कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, पहले मैंने ए को रखा। अब दूसरा कंडीशन बताया, अगर ए मेटल है सी मेटल है तो बी और डी क्या होने चाहिए आपके, नॉन मेटल होने चाहिए। अगर ए नॉन मेटल है तो मैंने क्या कंडीशन दिया, मैंने कहा कि डी की रिएक्टिविटी बी से ज़्यादा है। अगर D की रिएक्टिविटी B से ज़्यादा है तो D B को उसकी जगह से हटाना चाहेगा, और D अगर B को उसकी जगह से हटाना चाहेगा तो A के साथ कौन आएगा आपका, D आएगा। अब बचा कौन सॉल्यूशन में, अब बचा आपका B बचा है और कौन बचा आपका, C बचा है, तो B और C दोनों एक साथ चले जाएंगे। तो ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट बनेंगे, हो सकता है ये सॉल्युबल हो, एक्वस फॉर्म में सॉल्युबल हो, हो सकता है कि ये इनसॉल्युबल हो तो प्रिसिपिटेट बना दे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक प्रिसिपिटेट बन जाए एक गैस बन जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आपका दोनों सॉल्युबल हो जाए। तो बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, प्रोडक्ट आपका सॉल्युबल फॉर्म में भी जा सकता है, प्रोडक्ट आपका सॉलिड फॉर्म में जाके सेपरेट आउट होकर प्रिसिपिटेट भी बना सकता है, और प्रोडक्ट गैस का भी फॉर्मेशन कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो होपफुली आपको ये बात डिफिनीशन तो समझ में आई होगी, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। तब तक आप केवल 2 सेकेंड का मैं समय देता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग इस रिएक्शन को देखते हैं, हमने लिया बेरियम क्लोराइड BaCl2, मैंने एक बीकर लिया या एक टेस्ट ट्यूब लिया, एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब लिया, दिस इज द टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने BaCl2 भरा, BaCl2 डाला, और BaCl2 को हमने किस में डाला, पानी के अंदर डाला, मतलब BaCl2 सपोज करो एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में आपने कुछ पानी डाला और कुछ बेरियम क्लोराइड को डाला, तो ये बेरियम क्लोराइड किस फॉर्म में हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में। ये आयनिक कंपाउंड है, तो वाटर में जाते ही ये क्या करने लगा, ये वाटर में जाते ही आपका आयनाइज हो जाएगा, वाटर में जाते आयनाइज हो जाएगा। तो मतलब अगर हम बेरियम क्लोराइड को पानी के अंदर डाल दें तो क्या होगा, आप देखिए इसका आयनिक फॉर्म ये होगा आपका Ba+2 and 2Cl-, ये आयनिक फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आयनिक फॉर्म में आपका आयनाइज हो जाएगा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। दूसरा एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा है, ये सेकेंड टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने रखा है सोडियम सल्फेट Na2SO4, और इसको भी मैंने किस फॉर्म में रखा बेटा, एक्वस फॉर्म में है। तो एक्वस फॉर्म में पानी में सोडियम सल्फेट को डालोगे तो आयनिक कंपाउंड है, नमक की तरह ये भी आयनाइज हो जाएगा, और आयनाइज होके क्या बनाएगा आप ध्यान से देखिए, Na2SO4 जब आयनाइज होगा तो बनेगा Na2Na के आयन्स बनेंगे, और एक सल्फेट का क्या बनेगा आपका, आयंस का फॉर्मेशन होगा। मतलब आपने एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड ले लिया और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने सोडियम सल्फेट ले लिया, आपने ले लिया है। अब आपको क्या करना है, इस बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में डालना है या सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में डालना है। कंडीशन ये है कि आपने जो भी कंपाउंड लिया, वो कंपाउंड आपका जो भी सोल्यूशन है एक्वस फॉर्म में, उसमें सॉल्युबल होना चाहिए। अगर सॉल्युबल ही नहीं है तो आपका रिएक्शन नहीं होगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि सॉल्युबिलिटी को हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कुछ टेम्परेचर देते हैं, कुछ हीट करते हैं, कुछ एनर्जी की सप्लाई करते हैं, या आप उसको सेक करते हो, बहुत सारे कंडीशन होते हैं। आगे चल के जब आप बहुत सारे प्रैक्टिकल देखोगे केमिस्ट्री के अंदर, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर रिक्वायर होते हैं सॉल्युबिलिटी के लिए, आप उसको क्या करोगे, पढ़ोगे, समझोगे और जानोगे। उससे पहले हम लोगों को क्लियर कर समझना है कि बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में बेरियम और क्लोराइड के आयन बनाएगा, और सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में आपके सोडियम और सल्फेट के क्या बनाएंगे, आयंस बनाएंगे। जब तक दोनों को आपस में मिलाएंगे तब तक एक्सचेंज नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो एक्सचेंज होने के लिए कुछ भी एक्सचेंज हो रहा है, कुछ भी, जैसे नॉलेज का एक्सचेंज हो रहा है। नॉलेज का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप देख रहे हो लेक्चर को और पढ़ रहे हो,
पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जो चीज़ें नहीं समझ में आई जब तक आप कमेंट करके बताओगे नहीं तो आपको क्लियर कट नहीं समझ में आएगा कि नॉलेज का एक्सचेंज हुआ कि नहीं एक्सचेंज हुआ। तो नॉलेज का एक्सचेंज एक एक तरह से नहीं होता, एक रास्ते से नहीं, टू वे प्रोसेस है कि आप कुछ बताओ हम कुछ बताएं, जिसमें हम दोनों एक दूसरे में सुधार करें और हम दोनों को सारी चीज़ें क्या आएँ समझ में आएँ। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अब इन दोनों को आपस में हम लोग मिलाने जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि इसको इसमें डाल देंगे या हम कह सकते हैं इसको इसमें डाल देंगे, लेकिन हम डालेंगे ज़रूर। जब डालेंगे तो देखते हैं क्या होता है, जब डालेंगे दोनों को तो एक दूसरा बड़ा सा टेस्ट ट्यूब ले लिया और इसमें हमने इसको क्या कर रखा है, मिक्स कर रखा है। जब हमने इसको मिक्स कर रखा है तो देखिए क्या होगा, बढ़िया से समझना। यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये सोडियम मेटल है और ये बेरियम मेटल है, ये सोडियम मेटल है, बेरियम मेटल है। अब याद करिए, आपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था पीबीसी, याद करिए हमने बताया था पीबीसी एसएम अली, तो पीबीसी से आपका पोटेशियम है, फिर बेरियम है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है। तो अगर हम मेटल मेटल की बात करेंगे तो हमको पता है कि बेरियम की रिएक्टिविटी सोडियम से ज़्यादा है, बेरियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। तो मतलब जो सोडियम सल्फेट के साथ है उसकी जगह कौन लेना चाहेगा, आपका बेरियम लेना चाहेगा, लेना चाहेगा नहीं लेना चाहेगा, तो एक को किसी को पहचानेंगे, या तो मेटल्स का मेटल से हम लोग देखेंगे या नॉन मेटल का नॉन मेटल से देखते हैं। नॉन मेटल का नॉन मेटल का जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग जो हमने पीबीसी बताया है वो आपका इस रिएक्शन में भी अप्लीकेबल होगा। अब आपको पता है कि जैसे मेरा आयंस आपस में मिलेंगे इस इक्वेशन के अंदर, होगा क्या कि बेरियम इस सोडियम आयन को सल्फेट के साथ नहीं जाने देगा, क्योंकि बेरियम की रिएक्टिविटी सोडियम से काफ़ी बढ़िया है। मतलब बेरियम कह रहा, भैया मैं तुमको सोडियम सल्फेट के साथ नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैं अगर सल्फेट के साथ जाता हूं तो तुमसे बढ़िया बिहेवियर करूंगा, मैं रिएक्टिव हूं उसके साथ जाके मैं स्टेबल हो जाऊंगा, और स्टेबल ही नहीं होऊंगा, मैं ऐसा स्टेबल होऊंगा कि मैं रिएक्शन में सॉलिड फॉर्म में बन जाऊँगा और इनसॉल्वेबल होके आउट हो जाऊंगा, रिएक्शन से बाहर हो जाऊंगा, प्रिसिपिटेट बना लूंगा, अब जब मुझको पानी में आप डालोगे तो मैं डिसॉल्व होने वाला नहीं हूं। तो कह रहा है बेरियम कि सोडियम तुम वहां से हट जाओ, क्योंकि मैं सल्फेट के साथ तुमसे बढ़िया प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो हो क्या रहा है, बेरियम सोडियम को हटाएगा और सल्फेट के साथ जाएगा, तो हो क्या रहा होगा, रिएक्शन को मैं ओवरऑल यहाँ लिखता हूँ बेटा, देखिएगा। हमने लिया BaCl2 एक्वस फॉर्म में लिया और इसमें डाल दिया सोडियम सल्फेट को, ये भी आपका एक्वस फॉर्म में है। अब मैंने बताया आयनाइज फॉर्म में, यहाँ ध्यान से समझेंगे आप, बेरियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, तो बेरियम की रिएक्टिविटी सोडियम से ज़्यादा है, तो बेरियम सोडियम को वहाँ से डिस्प्लेस करेगा, उसकी जगह खुद लेगा और बनाएगा BaSO4, ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा, प्रिसिपिटेट सॉलिड के साथ साथ इनसॉल्युबल भी है, बेरियम सल्फेट जो बन रहा है सॉलिड के साथ साथ इनसॉल्युबल है, ये प्रिसिपिटेट बना रहा है। तो मतलब क्या है, जो मैंने कंटेनर लिया इसको ध्यान से देखिए, दिस इज द कंटेनर, आप इसको अगर बहुत थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए आप एक कंटेनर के बॉटम में ये जाके सॉलिडिफाई हो जाएगा और कंटेनर के बॉटम में जाके ये क्या कर जाएगा, आपका डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये बन गया प्रिसिपिटेट PPT। अब देखिए क्या हुआ, बचा कौन, आपका बचा सोडियम और आपका बचा क्लोराइड, मतलब सोडियम आयन बचे और क्लोराइड आयन बचे, दीज आयन्स आर कंबाइंड टुगेदर, ये आयन्स आपस में कंबाइंड होंगे और NaCl बनाएंगे एक्वस फॉर्म में, मतलब ये एक्वस फॉर्म में है, पानी में तो आयनाइज हो जाएंगे लेकिन सोडियम क्लोराइड आपका पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, तो ये आपका पानी में NaCl, आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि NaCl जो मैंने डॉट डॉट रखा है ये सोडियम क्लोराइड आपका NaCl एक्वस पानी में है, तो ये सॉल्युबल है, और जो PPT बना है बेरियम सल्फेट का वो क्या हो जाएगा, आपका इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो ये रिएक्शन अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो हो क्या रहा है, आपका बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है और क्लोराइड सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है, तो एक साथ में दो आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, नॉन मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, दीज रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और प्रोडक्ट की खासियत क्या बताई थी, प्रोडक्ट सॉल्युबल भी हो सकता है और सॉलिडिफाई भी हो सकता है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बना सोडियम क्लोराइड वो सॉल्युबल है सॉल्यूशन के अंदर, और जो बेरियम सल्फेट है वो क्या है, इनसॉल्युबल है और प्रिसिपिटेट बन गया है, सॉलिडिफाई हो गया है और PPT बनके तैयार हो गया। तो इस आप इस पूरे रिएक्शन को आप जैसे मैंने बोर्ड पर लिख रखा है आप इसको नोट डाउन करिए, देखिए जहाँ से जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आ गया। एक दूसरा रिएक्शन और देखते हैं फिर थोड़ा और बातें हमको समझ में आएंगी, नोट करिए इसको। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, बहुत सारे मैंने यहाँ रिएक्शन लिख रखे हैं,
इस रिएक्शन को अभी आप नोट करेंगे, लेकिन नोट करने से पहले हम लोग रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने लिया है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन लिया है। एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए जिसमें AgNO3 डाल दीजिए, दूसरा एक टेस्ट ट्यूब लिया मैंने उसमें सोडियम क्लोराइड का एक्वस फॉर्म डाल दिया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आयनाइज होगा Na+Cl- एक्वस में और AgNO3 आपका क्या होगा Ag+NO3-, नाइट्रेट आयन बनाएंगे और सिल्वर के आयन्स बनाएंगे आपके एक्वस टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके बाद जब हम दोनों को आपस में मिलाएंगे तो आपका आयन्स एक्सचेंज होंगे। आपको पता है कि सोडियम मेटल की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज़्यादा है, मतलब सोडियम कहेगा कि सिल्वर तुम नाइट्रेट के साथ मत रहो, मैं उसके साथ रहूँगा। तो सिंपल सिंपल समझते हैं कि सोडियम नाइट्रेट के साथ चला जाएगा तो बन जाएगा NaNO3। सोडियम नाइट्रेट ये सॉलिड फॉर्म में बना लेगा प्रिसिपिटेट, और प्रिसिपिटेट आपका सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल होता है और नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ये अरे बताता है कि प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। एक बात तो ये हो गई कि सोडियम आयंस ने सिल्वर आयंस को यहाँ से हटाया होगा, पहली चीज़। क्यों हटाया होगा कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा। दूसरी बात ये हो सकती है कि नाइट्रेट आयन क्लोराइड आयन को हटा सकता है अगर नाइट्रेट आयन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और क्लोराइड आयन आपका नाइट्रेट आयन को हटा सकता है अगर क्लोराइड आयन की रिएक्टिविटी नाइट्रेट आयन से ज़्यादा है। तो या तो हम सोडियम और सिल्वर के रिस्पेक्ट में समझें या नाइट्रेट या क्लोराइड के रिस्पेक्ट में समझें। हम तो कहेंगे मेटल का मेटल के रिस्पेक्ट में समझें, क्योंकि उसके लिए आपके बहुत बढ़िया ट्रिक है PBCSML वाला, तो उसकी यूज़ करके रिएक्शन को लिख सकते हो। तो अब बचा कौन, आप ध्यान से देखिए बचने वाले कौन कौन हैं। बचने वाले हैं आपके, ये आपका क्लोराइड बचा है और आपका बचा है सिल्वर, और ये होगा सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट बनेगा, और आपको मिलेगा NaNO3 एक्वस फॉर्म में सोडियम नाइट्रेट। सोडियम के साथ हर एक कंपाउंड आपका एक्वस फॉर्म में ही होता है, ये बात पता होना चाहिए। तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगी। ये प्रिसिपिटेट बना है, ये सॉलिडिफाई हो गया है और वो अभी भी एक्वस है, सॉल्युबल है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं फेरस सल्फेट। ये मैंने लिया फेरस सल्फेट, लेकिन ये रिएक्शन का टाइप थोड़ा कुछ अलग है। एक मैंने टेस्ट ट्यूब ले रखा है उसमें डाइल्यूट H2SO4 है। डाइल्यूट H2SO4 मतलब एसिड के साथ, H2SO4 के साथ हमने पानी भी मिला रखा है तो डाइल्यूटेड फॉर्म में है। तो डाइल्यूटेड फॉर्म में अगर हम H2SO4 की बात करते हैं, होपफुली इसको नोट कर चुके होंगे आप, अगर हम डाइल्यूटेड फॉर्म में H2SO4 को लिखते हैं तो पानी में जो H2SO4 होगा वो आपका आयंस बना के रह रहा होगा। तो मतलब अगर हम H2SO4 को आयनाइज करते हैं तो जब आयनाइज करेंगे देखेंगे आपका 2H+ दे सकता है आपका, और सल्फेट आयन्स आपके क्या होने सकते हैं, अलग हो सकते हैं। अब आपको देखना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का पाउडर लिया है, उस पाउडर को मैंने उसके अंदर डाला। एक मैंने टेस्ट ट्यूब लिया डाइल्यूट H2SO4 का, उसमें फेरस सल्फेट को डाला। जैसे फेरस सल्फेट को डालेंगे वो उसमें आयनाइज होना शुरू हो जाएगा। फेरस सल्फेट जब आयनाइज होगा तो आप देखिए FeS है, ये जब आयनाइज होगा तो बनाएगा Fe+2 और सल्फेट S-2। ऐसा आपका कुछ बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये बन के तैयार हो गया फेरस सल्फेट। अब आप सबको पता है बेटा, आपने पढ़ा है, अगर इस मेटल मेटल में हम देखते हैं, नॉन मेटल में तो देख ही नहीं रहे हम लोग। मेटल मेटल की अगर हम बात करें तो हमने पता है PBCSML जेंटल में जेड जिंक है, आई आयरन है, फिर जेंटल है। यहाँ आयरन की एक्टिविटी हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा है, तो आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटाएगा, तो उसकी जगह लेगा तो बन जाएगा FeSO4। फेरस सल्फेट बनाएगा एक्वस फॉर्म में, और ये बचा हाइड्रोजन और सल्फर, एक दो हाइड्रोजन एक सल्फर, तो ये हाइड्रोजन और सल्फर आपस में कंबाइंड होकर हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेंगे। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये एरो ऊपर, अभी एरो नीचे नहीं, नीचे होता तो प्रिसिपिटेट सॉलिडिफाई और इनसॉल्युबल फॉर्म की बात कर रहे हैं। सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड जो बना है ये आपका गैसियस फॉर्म में, गैस है आपका, रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका रिएक्शन हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और एग्जांपल। और देखते हैं हम एक एग्जांपल, हमने लिया AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड लिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है, इन दोनों को आपस में मिक्सअप कर दिया है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एल्युमिनियम अमोनियम की जगह आ जाएगा, बना लेगा एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का ये बना लेगा प्रिसिपिटेट। आप ध्यान से देखिए एरो नीचे है तो प्रिसिपिटेट बन गया, सॉलिडिफाई हो गया, रिएक्शन से अलग हो गया है, और साथ में हमको मिला अमोनियम क्लोराइड। वी गॉट अमोनियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में। एक और रिएक्शन देखते, ये काफ़ी पूछा जाने वाला है बेटा आपके एग्जाम में। रीजन क्या है कि कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाता है,
कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाता है, और उस ब्लू कलर के सोल्यूशन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं। मैंने गैस लिया हाइड्रोजन सल्फाइड, और इस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास कर रहे हैं एक्वस सोल्यूशन आप कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है एकदम बढ़िया ब्लू कलर का सोल्यूशन बनेगा। आप कभी लैब में करने का मौका मिले देखिए, कॉपर सल्फाइड बहुत सुंदर ब्लू कलर का आपका एक मॉलिक्यूल होता है, अगर क्रिस्टल फॉर्म में भी मिल सकता है, और अगर हम उसको एक्वस डालेंगे तब भी आपका वो ब्लू ही कलर का रहेगा, कलर कोई चेंज नहीं करेगा। अब उस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को क्या कर रखा है, पास किया। जैसे हाइड्रोजन गैस सल्फाइड गैस उसके अंदर से पास होनी शुरू हुई, आप पूरा का पूरा सोल्यूशन आपका ब्लैक कलर का कंपाउंड बना के जो टेस्ट ट्यूब होगा उसके बॉटम में धीरे 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 जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि ब्लैक कलर का कुछ सब्सटेंस कंटेनर के बॉटम में जाके सॉलिडिफाई हो गया है, वो एकदम क्लियर कट दिख रहा है आपका ब्लैक कलर का, दैट मीन्स वो बना लिया एक प्रिसिपिटेट इनसॉल्युबल फॉर्म है। तो वो आपका कॉपर सल्फाइड है और प्रिसिपिटेट बनाया ब्लैक कलर का, और साथ में जो आपका पानी के अंदर रह गया है वो आपका H2SO4 एक्वस फॉर्म में है। तो इसको टच नहीं करेंगे, ये आपका जो सोल्यूशन है जिसमें आपका प्रिसिपिटेट बना है कॉपर सल्फाइड की, इसको टच नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर H2SO4 है, ये हमारे लिए डेंजरस है। तो ये जब भी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ऐसा कुछ केमिस्ट्री के अंदर, तो बहुत विशेष ध्यान रखेंगे, प्रिकॉशन को लेते हुए हम लोग रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे, या कोई आपका जो टीचर होगा या लैब अटेंडेंट होगा उसके गाइडेंस में आप रिएक्शन को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो होपफुली आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया होगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड मैंने जो भी एग्जांपल आपको मिल सकते थे मैंने आपको बताया। फिर भी जब चैप्टर ख़त्म होगा तो आपसे JNCERT है उसके सारी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल किस रिएक्शन के टाइप का है, और इस टाइप के रिएक्शन में और क्या नए एग्जाम्पल जुड़ के आ सकते हैं। तब तक के लिए आप मेरे पूरे लेक्चर को रिवाइज करिए, इसका नोट्स बनाइए, लिखिए, इसको रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना। और जो बातें आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलता है और आपको समझ में नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर नोट करिए, लिखिए, आप हमको भेजिए, और तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो लेक्चर को रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच।